नागपुर विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट 9 मार्च को सीनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। हालांकि यह बैठक नियमित नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक अभी सीनेट की 10 स्नातक सीटों का चुनाव होना बाकी है और राज्यपाल द्वारा नामांकित सदस्यों की नियुक्ति का पत्र भी अब तक कुलगुरु ने जारी नहीं किया है। ऐसे में 9 मार्च की सीनेट बैठक का कोरम पूरा नहीं होगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व सीनेट सदस्य मनमोहन वाजपेयी ने 9 मार्च को होने वाली बैठक पर आपत्ति जताई है। वाजपेयी ने इस सिलसिले में राज्यपाल को भी पत्र लिखा है।